हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित सर फ्रॉम नॉलेज प्लस ट्यूशन क्लासेस। टुडे वील स्टार्ट विथ थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो देर आर सेवन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल्स मीन्स दे कैन बी बीटन इंटू शीट्स, यानी मेटल की शीट बन सकती है। दे आर डक्टाइल, बीटन इन टू वायर्स। डक्टाइल मीन्स मेटल्स के वायर बन सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स वेन दे आर बीटन दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। दे आर लश्चरस। लश्चरस मीन्स दे आर शाइनिंग। नाउ मेटल विच इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर इज सिल्वर। मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लीड एंड मर्क्यूरी। मेटल विच इज़ मोस्ट मेलिएबल, तो गोल्ड। नाउ देर आर एक्सेप्शंस फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, फोर एक्सेप्शंस है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट। बाकी सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। मेटल्स लाइक गैलियम्स, सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, गैलियम एंड सीजियम। दे मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम, मीन्स रूम टेम्परेचर के बिलो दे मेल्ट। अबव रूम टेम्परेचर दे मेल्ट्स। आयोडीन विच इज़ अ नॉन मेटल बट लश्चरस। ये आयोडीन नॉन मेटल है तो भी वो शाइनी है, लश्चरस है। डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। कार्बन नॉन मेटल है तो भी हार्ड है। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नॉन मेटल है डायमंड और ग्रेफाइट, बट दे आर हार्ड एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पेक्टिवली। अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स कौन से? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विथ नाइफ एंड हैव लो डेंसिटी। यानी ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। अपना सोप होता है, सोप कैसे अपन नाइफ से काट सकते हैं, उसी तरह ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि दे कैन कट विथ नाइफ। एंड दे आर लो डेंसिटी, मीन्स हल्के होते हैं, भारी नहीं होते। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दिस मेटल्स हैव लो डेंसिटी। न्यू टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह Na प्लस O2 गिव्स Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो जन मेटल्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं वेन दे आर बर्न इन ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेजिक इन नेचर, तो बेजिक है तो वो खाली एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। पर देर आर सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल दो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्यों? बिकॉज दे बोथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है Al2O3 प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। ये Al प्लस O माइनस H प्लस Cl माइनस, तो Al प्लस है तो प्लस का पेयरिंग Cl के साथ बनेगा, तो AlCl3। बचा कौन? H और O, तो H2O बन गया। Al2O3 प्लस NaOH बेस गिव्स NaAlO2 प्लस H2O। NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2 माइनस है और Na प्लस है, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये इक्वेशन आपको लर्न ही करना पड़ेगा। मेटल ऑक्साइड दैट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। मेटल ऑक्साइड है उनको अगर पानी में डिजोल्व करेंगे
तो वो प्रोड्यूस करेंगे अल्कली। यहाँ एग्जांपल है Na2O plus H2O gives NaOH. NaOH is a alkali. Alkali are base which are soluble in water. तो अल्कली मतलब बेस होता है। तो ये बेस कैसे बनता है? जब मेटल ऑक्साइड Na2O plus H2O gives NaOH. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर बोथ। तो सिल्वर और गोल्ड है वो वाटर और एयर के साथ नहीं रिएक्ट करते, दे आर नॉन रिएक्टिव। पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, वाई? तो पोटेशियम एंड सोडियम आर सोडियम और पोटेशियम है उसको हम लोग एयर में नहीं रख सकते, उसको है ना केरोसिन की बॉटल होती है उसमें स्टोर करना पड़ता है, बॉटल के अंदर सॉलिड होते हैं तो स्टोर करना पड़ता है। वाई? सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली विथ एयर एंड कैचिस फायर। वो लोग एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, दे आर रिएक्टिव मेटल्स, एंड कैचिस फायर, आग लग जाती है। सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर वी स्टोर इन केरोसिन। वॉट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द मेटल ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल। मेटल ऑक्साइड की लेयर है वो मेटल के ऊपर कोटिंग कर देनी है तो उसको एनोडाइजिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के मेटल है उसके ऊपर कोटिंग करना तो उसको एनोडाइजिंग बोलेंगे। एनोडाइजिंग प्रिवेंट करोजन। एनोडाइजिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे करोजन नहीं होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इज कोटेड ऑन एल्यूमिनियम, इट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग।